ओके, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे. द मिडल हिमालयाज और द हिमालय रेंज. द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड ड्यू टू द साउथ ऑफ हिमाद्री रेंज एंड इट्स लोअर देन द लैटर. एक सेकेंड. हाँ, हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज. द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट ऑफ द पाइन एंड डियोडर. अभी मैंने आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, बट फिर से वापस दे रही हूँ. नाउ द मीनिंग ऑफ पाइन एंड डियोडर और थिक फॉरेस्ट क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. अभी ये तो डैम हमने देखा है. ये देखो, टू वैली, ये दो माउंटेन है, उसके बीच से ये पानी आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वैली रिवर पासेस. ठीक है, रिवर पास हो रहा है. दूसरा जो डियोडर बोली ना मैंने, ओक ट्री, ये देखो ऐसी ट्री को ओक ट्री बोला जाता है. अब इसके जो झाड़ होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं, जो इसके झाड़ और पत्ते होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, टेढ़े होते हैं, नीचे साइड होते हैं. जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो झाड़ के ऊपर नहीं रहता है, वो नीचे फिसल के गिर जाती है, इसलिए इसके ऊपर बर्फ़ नहीं पड़ती है. ठीक है. और देखो ये है डाइन फॉरेस्ट, लंबे लंबे झाड़ होते, मतलब इनके जो ट्रंक होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, इस तरीके से फॉरेस्ट है ये. देखो ये सब, ये फॉरेस्ट देखो, ऐसे फॉरेस्ट है. ठीक है. नाउ हाँ, ये कहाँ पे होते हैं, मिडल हिमालय, जो हिल स्टेशन होते हैं ना, उस जगह पे ऐसे झाड़ और ऐसे पानी ऐसे बहते हैं. ठीक है. द आउटर हिमालयस और द शिवालिक रेंज, मतलब बाकी के जो बची जगह है ना, वो ये नागालैंड, असम, मणिपुरम, तिरुपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये जो बाकी की जगह है ना, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है लोवेस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज. द स्लोप ऑफ दिस रेंज आर ऑल्सो कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट. जो मैंने आपको फॉरेस्ट दिखाया है ना, वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है, ना ही कोई माउंटेन होता है, क्योंकि हम अभी कहाँ, नॉर्थ से, ऊपरी इंडिया से नीचे तरफ आ रहे हैं, तो जो भी पहाड़ सबसे ज़्यादा होता है वो नॉर्थ साइड में होता है. अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो हिमालय, जो मिज़ोरम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं. नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द शिवालिक आर एज नोन एज पूर्वांचल रेंज, उसको बोला जाता है पूर्वांचल रेंज. ठीक है. वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जैसे कि गारो, काशी, जैतेनिया, नागा, लुसाई और मिजो, ये सब किसके पार्ट है, पूर्वांचल के पार्ट है. दीज थ्री रेंजेज आर लोकेटेड साइड बाय साइड एंड सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन रेंज टू अनदर. हैंस पासिस लाइक द करोकरम इन लद्दाख एंड द सिपकी ला इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन बिल्ट टू ट्रैवल ईजीली. अभी ये क्या बोल रहे हैं ये पैराग्राफ में, कि ये देखो, ये एक रेंज, ये दो रेंज, ये तीन रेंज, ये और ये. ठीक है ना. ये तीनों भी कैसा है, एक ही लाइन में है ना. जब रोड से ट्रैवल करते हैं ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये पूरी पहाड़ है, ये थोड़ा नीचे पहाड़ है, ये और ये प्लेन हो जाता है. जब चढ़ाई चढ़ेंगे और एक ही रोड होता है, तो एक रोड से जाना, गाड़ी आना, बड़ी बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, एक्सीडेंट होता है. वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट है, बड़ी बड़ी खाई है, कभी कभी गाड़ियाँ उसमें गिर जाती है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाता है, कभी बस गिर जाती है ना. अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पहाड़ ज़्यादा है ना, तो वो पहाड़ क्या होता है, बारिश की वजह से गिर जाता है, तो रोड में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी कार के ऊपर वो पहाड़ गिर गया, इस तरीके से वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आती है. ठीक है, समझ आया. पहला है हिमालय रेंज, हिमालय रेंज में होता है पूरे बर्फ़ के पहाड़, वहाँ पे डैम होता है, नहीं, हिमालय रेंज से हमको पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो जो पूरा पहाड़ का बॉर्डर बनता है, उस सेंट्रल एशिया से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो सब सॉल्व हो जाती है. हिमालय रेंज के अंदर तीन चीज़ें हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय में क्या होता है, सबसे पहाड़ जो होती पूरी बर्फ़ की होती है, वहाँ से पांच नदी निकलती है जो कि बर्फ़ पिघलने पे होती है. दूसरा क्या है, मिडल हिमालय,
उसमें क्या है, दो वैली के बीच से रिवर पास होता है, उस वो हिल स्टेशन है और वो पूरा कवर्ड है थिक फॉरेस्ट से। तीसरा है आउटर हिमालय, उसमें क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, लंबे लंबे झाड़ वाले फॉरेस्ट होते हैं और वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का है, उसको पूर्वांचल रेंज बोलते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे हिल स्टेशन है, गारो खासी, जैतनिया, नागा, लुसई एंड मिजो, ये सबको। और लास्ट में क्या है, वो सब जगह पे जाने के लिए, तीनों जगह पे जाने के लिए क्यों डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि चढ़ान चढ़नी और नीचे उतरना है, तो वहाँ पे बड़े बड़े हाईवे नहीं होते हैं, पतले पतले रोड होते हैं, पहाड़ होते हैं, एक्सीडेंट ये सब हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इतना ऊँचा है, वहाँ पे एक औरत, जो एक औरत थी बचेंद्री पाल 1984 में वो सबसे पहली औरत थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, ठीक है। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है। इसके आगे का जो भी होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे जूम के, और उसके बाद मैं आप लोग को वीडियोस और सब कुछ सेंड करूँगी, ठीक है। बाय, थैंक यू।